नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। कानपुर ब्रेकिंग सीवर जलभराव की समस्या से क्षेत्रीय जनता परेशान। घरों में घुसा सीवर पानी क्षेत्र में फैली बीमारी से आक्रोशित लोगों ने रोड जाम कर लगाया जल संस्थान व नगर निगम मुर्दाबाद का नारा। कानपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। चकेरी मोती नगर में क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि पिछले काफी समय से सीवर जलभराव होता रहता है, अब तो सीवर का पानी लोगों के घरों में घुसने लगा है। शिकायत करने पर भी जल संस्थान व नगर निगम अधिकारी व पार्षद कोई सुनवाई नहीं करते हैं। खुले नाले में आए दिन होता है हादसा, कभी गाय तो कभी बच्चे गिर जाते हैं। गंदगी से मोहल्ले में बीमारी फैलने लगी है, जिसे देख आज क्षेत्रीय लोगों ने रोड जाम कर किया प्रदर्शन। ये बताइए क्या दिक्कत है मोहल्ले में? मोहल्ले में ये दिक्कत है, 10 दिन से ये नाला डैमेज है और घरों घरों में पानी जा रहा है। लाइन में भी पानी आ गया है और दुकानदारों को बहुत तकलीफ, आने जाने के लिए तकलीफ है। 10 बार शिकायत करने पहुँच गए, कोई भी अभी तक इस काम को अंजाम नहीं दिया है। हर इंसान परेशान है, जय बार जाते कहते हैं हम अभी 10 मिनट में पहुँचे, 15 मिनट हो गए, आज 10 दिन हो गए, एक भी अधिकारी या एक भी कर्मचारी यहाँ पे आया नहीं। ना इस नाले में क्या कोई गिरा भी था? गैया 2 बार गिर चुकी है, एक बच्चा गिर चुका है। अगर कोई मर गया या कोई गाय मर गई तो इसका हादसा हो जाएगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा? 10 दिन हो गए। तो क्या दिक्कत है मोहल्ले में? मोहल्ले में पूरा आना जाना बंद है, दुकानदारी बंद है, सब रास्ता खराब हो गया, हो जा रहा है, पानी खराब है, घरों में जा रहा है। ईद त्यौहार में मेहमानदारी हो रही है, मेहमान लौटे जा रहे हैं। आप लोगों ने इसकी शिकायत किसी से किया है? अभी अभी हमने गाय गिर के वहाँ जा चुके हैं, वहाँ 10 बार जा चुके हैं, वहाँ भी पानी को महल्ले में पानी जो लाइन है पीने वाला उनमें ही पानी जा रहा है, बहुत दिक्कत है पानी का। अभी अभी इसमें गाय गिरी है, फोन कर गई अपने यहाँ, अब कोई हादसा हो जाएगा कौन इसका जिम्मेदार होगा? जल्दी सही करा। क्या दिक्कत है? हमें दिक्कत है, मेरे घर में परेशानी है, नाला भरा, मेरे बच्चे बीमार है। तो इसकी शिकायत किया आप लोगों ने किसी को? शिकायत किया कोई नहीं, चोर ऐसा मोती नगर में चोरी करने आते हैं, खाली वोट लेने इलेक्शन लेने आते हैं और बाकी कोई नहीं कुछ करता है। आज 4 साल से हम देख रहे हैं फहराई पर, यहाँ से जीते हैं, हमारे लड़के खुद भर्ती है अस्पताल, मेरी बहू अस्पताल में भर्ती है, अब हम बताओ आपके सामने ही सारा सामान बताओ, हम यहाँ टंकी पर जाते हैं, कोई 1 रुपया हम लोग का फायदा भी खड़े थे, सब देखे तो सब देखे पास गए थे लेकिन कोई फायदा नहीं है, कोई सुनाई नहीं होता। 4 चक्कर गए उनके पास, टंकी का यहाँ।